देखिए, आज हम चर्चा करेंगे राजनीतिक दलों की विशेषताएं। इसके अंतर्गत हम लोग राजनीतिक दलों की विशेषता को, जैसे एडमंड बर्क है, गेटल है, गिलक्रास्ट है, मैकाइवर है आदि, जो भी परिभाषा इन लोगों ने राजनीतिक दलों की दी है, इन विद्वानों ने, उसके आधार पर इसके निम्न तत्व बताए। इसके संगठन, देखिए, राजनीतिक दल का प्रथम प्रयास ये होता है कि वो आपस में संगठित रहें और आधारभूत समस्याओं के संबंध में एक ही प्रकार का विचार रखे। किसी भी देश की अंतर्राष्ट्रीय देश की या राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक समस्याओं के संबंध एक ही विचार रखा जाए। जब तक वो संगठित नहीं होंगे उनको हम लोग राजनीतिक दल नहीं कहते, और सभी व्यक्ति इस राजनीतिक दल में सम्मिलित सभी व्यक्तियों के विचार एक समान होने चाहिए। तो संगठित होना राजनीतिक दलों की एक मुख्य विशेषता होती है। समान विचारधारा वाले व्यक्ति ही राजनीतिक दल में सम्मिलित होते हैं। संगठित होना उनके लिए बहुत जरूरी होता है। इसलिए राजनीतिक दलों का जो इसकी विशेषता है कि इनके एक संगठन होता है, चैनल होता है, जिसमें नीचे से लेकर ऊपर तक पदाधिकारी होते हैं, और जब तक ये संगठित नहीं होंगे, और इनकी जो शक्ति है इनके संगठन पर ही निर्भर करती है, और संगठन के आधार पर ही इनके शासन सत्ता प्राप्त करने को और अपनी नीतियों को कार्य रूप परिणित करने में ये सफल होते हैं। दूसरा है सामान्य सिद्धांत की एकला। राजनीतिक दलों को संगठित रूप से उसी समय तक इनके कुछ सिद्धांत होते हैं, ये अपने विचार रखते हैं मूल प्रश्न को, देश की जनता, देश की जनता के सामने किसी भी राजनीतिक दल, चाहे अमेरिका का हो, चाहे डेमोक्रेटिक हो या रिपब्लिक पार्टी हो, वो अपने विचार, जैसे वर्तमान समय में अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिक पार्टी के दोनों उम्मीदवार जनता के सामने जा रहे हैं और लोगों को अपने विचारों से, अपने सिद्धांतों से कि हम अगर सत्ता में आए तो इस प्रकार के विचार रखेंगे, इस प्रकार के शासन सत्ता और देश के हित में कार्य करेंगे, चाहे भारत की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में हो, ये अपने सिद्धांतों के, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे CPM हो, CPI हो, या साउथ की पार्टी अन्नाद्रमुक द्रमुक, कोई भी राजनीतिक दल जब तक अपने सिद्धांतों में एकता नहीं होगी वो शासन सत्ता तक नहीं पहुँचे। इसलिए सामान्य सिद्धांतों में एकता होना भी राजनीतिक दलों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण। दूसरा है संवैधानिक साधनों में विश्वास। देखिए, किसी भी देश की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में एक संविधान होता है, और संविधान की दायरे में रहकर, संविधान की सीमाओं में रहकर राजनीतिक दल अपना प्रचार प्रसार करते हैं, शासन सत्ता प्राप्त करने का कोशिश करते हैं, और शासन सत्ता में आने के बावजूद भी वो संविधान की सीमा से दूर नहीं हट सकते। संविधान में जो उल्लेखित है वही राजनीतिक दलों को उन्हीं सिद्धांतों को मानना पड़ेगा, उन्हीं बातों पे वो अमल करेगा। तो मान लीजिए किसी भी राजनीतिक, भ्रष्टाचार हुआ या हिंसात्मक तरीके से हम राजनीतिक सत्ता प्राप्त नहीं कर सके, संवैधानिक दायरे के तहत अपने विचारों के आधार पर लोगों को प्रभावित करें, उनको खुश करें और उस राजनीतिक दल की ओर आकर्षित करें, और शासन सत्ता में आने के बाद केवल ये नहीं है कि उसी राजनीतिक दल से संबंधित व्यक्तियों के हित में ही काम किया जाए, नहीं, सभी व्यक्तियों के हित में काम करना होगा, सभी व्यक्तियों के विचारों का हमें सम्मान करना होगा, देश की समस्याओं, जनकल्याणकारी योजनाओं पर कार्य करना होगा। तो यानी कि संवैधानिक मर्यादाओं के तहत ही राजनीतिक दल अपने, चाहे मतदान हो, मतदान में जो निर्णय है बहुमत के आधार पर होगा, अपने जो प्रचार प्रसार होता है वो भी संवैधानिक मर्यादाओं के आधार पर, ये नहीं कि आप किसी को डरा के धमका के अपने पक्ष में मतदान नहीं करा सकते। तो संवैधानिक सीमाओं के अंतर्गत रह के ही राजनीतिक दलों को और उसमें विश्वास रखना चाहिए। किसी भी देश की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था का एक अपना एक संविधान होता है, और उस संविधान में रह के राजनीतिक, चाहे वो किसी विचारधारा से संबंधित हो, वो अपना प्रचार प्रसार, चुनाव में जो बहुमत के आधार पर उसको सत्ता, ये नहीं है कि सत्ता प्राप्त, बहुमत प्राप्ति नहीं हुआ और ज़बरदस्ती वो तानाशाही या स्वेच्छाचारिता के आधार पर देश की सत्ता पर आक्रमण करने की नहीं सोच सकता। इसलिए संवैधानिक साधनों में विश्वास होना भी राजनीतिक दलों का एक महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद में शासन पर प्रभुत्व की इच्छा। देखिए, हर राजनीतिक दल का एक मुख्य उद्देश्य यह है कि वह शासन सत्ता प्राप्त कर, चाहे किसी भी देश है, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय विश्व में किसी भी देश की समस्या हो, और वो इसके लिए, और चाहे राज्य विधानसभाओं के चुनाव हो, चाहे देश की लोकसभा के हो, या अमेरिका में चुनाव हो या इंग्लैंड में हो, किसी भी देश की व्यवस्था पिका के प्रथम सदन के जो सदस्यों का चुनाव होता है वो जनता के द्वारा डायरेक्ट रूप से किया जाता है राज्य विधानसभाओं में। तो राजनीतिक दलों का, चाहे कोई सा भी राजनीतिक दल हो, किसी विचारधारा से संबंधित हो, उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो शासन सत्ता प्राप्त करने के होता है, उस पर और जनता के हितों में काम करना चाहते हैं। ये हर राजनीतिक दल, राजनीतिक दल बनते ही इसलिए, राजनीति में लोग आते ही और अपना संगठन इसलिए कि वो शासन सत्ता, जो अच्छा काम करेगा वो राजनीतिक दल लंबे समय तक शासन सत्ता में रहेगा, जो नहीं करेगा उसको आने वाले समय में, जैसे राजस्थान विधानसभा के देख लिए, हर 5 साल बाद में हमारे यहाँ सरकार चेंज होती है। मोदी जी ने पिछली भारत सरकार में अच्छा काम किया, इस बार जनता ने उनको रिपीट कर दिया है।
तो यानी कि राजनीतिक दलों का एक जो मुख्य उद्देश्य होता है कि वो शासन सत्ता, शासन में प्रभुत्व या शासन सत्ता प्राप्त रखने की उनकी एक महत्वाकांक्षा होती है। और कोई भी यदि कोई संगठन शासन के बाहर काम करता है उसे राजनीतिक दल नहीं किया जाता है। अगर संगठन के अंदर काम करेगा राजनीतिक दल कहलाएगा, अगर संगठन से बाहर रहेगा तो वो राजनीतिक दल के रूप में नहीं, उसके अपने। इसके बाद में राष्ट्रहित, राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के लिए संगठित राजनीतिक समुदाय होना चाहिए। हर राजनीतिक दल राष्ट्र हित में ही कार्य करेगा। अगर वो राष्ट्र हित में कार्य नहीं करता है तो हम उसको राजनीतिक दल की संज्ञा नहीं दे सकते, वो राजनीतिक दल हो ही नहीं सकता। विचारधाराएं अलग हो सकती हैं। वर्तमान समय में भारत में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार है, परंतु जहां देश का हित की बात होगी तो वहां कांग्रेस को भी भारत के हित में ही बात करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि वो पाकिस्तान या अन्य किसी विरोधी देश का समर्थन करे। तो राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होता है और राष्ट्रीय हित को पूर्ण करते हुए राजनीतिक दल शासन सत्ता में रहते हैं। इसलिए शासन सत्ता का जो सदुपयोग होता है वो राष्ट्रीय हित में किया जाता है। और राजनीतिक दलों के लिए आवश्यक है कि वो किसी धर्म, जाति या विशेष संप्रदाय को ध्यान में रखे नहीं, संपूर्ण समाज के हित में कार्य करें। अगर सांप्रदायिकता के आधार पर या जाति विभेद के आधार पर अगर राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त कर रहा है या उसके आधार पर काम कर रहा है तो वो राजनीतिक दल की एक अच्छी छवि नहीं है। और आने वाले समय में जनता उसको परिवर्तित कर देती है, चेंज कर सकती है, कर देती है। तो राजनीतिक दलों को धर्म, जाति, समाज इनसे ऊपर उठ के और संपूर्ण समाज के हित में काम करना होगा। ये राजनीतिक दलों का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। इसलिए राष्ट्रहित होना किसी भी राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य होता है कि वो राष्ट्रीय हित के रूप में कार्य करे, राष्ट्र का विकास करे, राष्ट्र को विकसित करे, उसमें रहने वाले व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान करे। और अगर करता है राजनीतिक दल कोई भी, अगर जो शासन सत्ता में है तो आने वाले समय में उसको जनता दोबारा भी सत्ता सौंपती है। जैसे मोदी जी ने पिछली बार अच्छा काम किया, ये इससे पहले मनमोहन सिंह जी ने दो बार उसकी सरकार रही, और बहुत से राज्य ऐसे हैं जहाँ का 15-15, 20-20 साल से एक ही राजनीतिक दल की सरकार है। कारण कि वो राजनीतिक दल जनता के हित में काम करते हैं, जनता के हित में हितों का वो ध्यान रखते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं। तो राजनीतिक दलों की जो मुख्य विशेषता है, चाहे एडमंड बर्क हो, गिटल हो, गिलक्रास्ट हो, मैकियावेली हो, इन विद्वानों ने राजनीतिक दलों की जो विशेषता बताई उसके आधार पर संगठन या सामान्य सिद्धांतों में एकता, संवैधानिक साधनों में विश्वास होना चाहिए, शासन में प्रभुत्व की इच्छा होनी चाहिए और राष्ट्रीय तत्व। ये थे राजनीतिक दलों की।